दुर्ग नगर निगम के राजेंद्र पार्क में मनाए जा रहे फ्लावर शो में रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी आकर्षक कलाकृतियां सहसा ही लोगों को आकर्षित करती नजर आई। वही कार्यक्रम में शहर विधायक ने गीत भी गुनगुनाए। दुर्ग नगर निगम के राजेंद्र पार्क में रविवार को फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जहां रंग बिरंगे फूलों से सजा पार्क सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। निगम द्वारा आयोजित फ्लावर शो में रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों के साथ बोनसाई पौधे और धान से बनी आकर्षक चित्र फ्लावर शो के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए स्टॉल का आयोजन भी किया गया, जिसमें मॉडल के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजनाएं प्रदर्शित की गई। इसी कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शहर विधायक अरुण वोरा अपने आप को नहीं रोक पाए और सीधे मंच पर चढ़कर दोस्ती की सलामती के लिए गीत गुनगुनाए। इस अवसर पर राजेंद्र पार्क में लगे फ्लावर शो में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता छत्तीसगढ़ का पारंपरिक महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों की प्रदर्शनी के साथ प्राचीन काल के पत्थरों और रत्न का विशेष संग्रह भी लोगों को अपनी ओर खींचता नजर आया। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार आके, क्योंकि मैं इसलिए अच्छा बोल रही हूँ क्योंकि पिछले बार भी इनका फ्लावर शो का आयोजन था जिसमें मैंने जजमेंट किया था, तो कंपैरिजन में कर रही हूँ तो इस बार एंट्री बहुत ज़्यादा आई है। और जैसे सर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम प्रोत्साहित करें हम, प्रचार प्रसार और अच्छे से करने की आवश्यकता है जिससे पब्लिक जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट करें। इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो फिर लोग इसमें जो आयोजन किया है फ्लावर शो का नगर निगम ने बड़ा काफ़ी सुंदर रूप से आयोजित किया है और इस बार काफ़ी संख्या में एंट्री आई है। तो काफ़ी लोगों ने फ्लावर के आइटम रखे हैं, हॉटेड प्लांट रखा है, ऑर्नामेंटल प्लांट रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ नया इस बार से देखने को मिला? हाँ, कुछ नई वैरायटी हमको देखने मिली है, लेकिन लोगों से उम्मीद करेंगे कि अगली बार और अच्छे अच्छे ढंग से करें। यहाँ पर हमने पत्थरों का और रत्नों के संग्रह का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पास सबसे पुराना यहाँ पर एक पत्थर है, 13.8 करोड़ वर्ष पुराना फॉसिल है, मतलब प्रजाति का कीड़ा है जो फॉसिल के रूप में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरल है, कोरल का भी फॉसिल मेरे पास में है, दिखाई दे रहा है आपको, कम से कम 4 से 5 है। इस प्रकार से बच्चों को बताने के लिए बॉक्साइड है, हेमेटाइट है, जेलिना है, नेटिल है, आयरन ओर है, जैसीवर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूल के बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई छत्तीसगढ़ का सबसे छोटी जो डायमंड है वो ये मेरे हाथ में है और बहुत मूल्य रूप में है। इस प्रकार से बस्तर में सबसे अधिक मिलने वाला है कोरंडम, जो हमारा राज्य है बहुत धन्य है और इसके बारे में हम जगह जगह बताते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ पूरे मतलब खनिज के मामले में बहुत समृद्ध है। कार्यक्रम में मैं हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुरखौती गहने हैं उनका मैं प्रदर्शनी में दिखाने के लिए लाया हूँ और इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य ये है कि जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है तब से जो छत्तीसगढ़ स्तर पर जो PSC परीक्षा आयोजित कर रहे हैं उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस कारण से हमारे आने वाले पीढ़ी है और हमारे जो नौयुवा साथी हैं, बच्चे हैं, वो PSC की तैयारी अच्छा से कर सकें इसके लिए। और साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के गहनों पर एक शोध हो कि वास्तव में इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। अभी तक तो लोग मानते हैं कि इसको केवल परंपरा के रूप में ले लेते हैं कि ये पारंपरिक है और लोग पहनते आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो बच्चे जाने, इस उद्देश्य से मैं इसका कलेक्शन किया हूँ। और अब मेरे पास लगभग 150 प्रकार के गहनों का संकलन है और ये सारे गहने जो हैं हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र का है और ये हमारे यहाँ ऐसे पुराने ऐसे एक से एक गहने थे
जो वास्तव में आश्चर्य ही कहा जाए। जैसे अभी आप इस गहने को देखेंगे, ये कांसा से बना हुआ है और कांसा से बने हैं इसका उपयोग जो हमारे यहाँ माताएं जो है वो पैर में पहनती थी, लेकिन इसके एक बड़े खासियत यह है कि जब महिलाएं इसको पहनती थी तो कभी एड़ी का दर्द, पैर का दर्द जो है कभी नहीं होता है। इसी प्रकार की एक हमारे और गहने हैं जिसको पैर में पहनते हैं, इसको कटही तोड़ा बोलते हैं। और एक कटही तोड़ा की खासियत यह है कि जिस समय हमारे यहाँ आवागमन के साधन बहुत कम हुआ करते थे, कभी कभी खेतों में या जंगलों में काम करते थे, तो जैसे कोई जानवर हो गया या जैसे गलत विचार वाले लोग हैं तो उनके अपने आत्मरक्षा के लिए भी इस गहनों का उपयोग करते थे। ये इनकी बड़ी खासियत है। ये 150 प्रकार के सिर के चोटी से लेकर के पैर की उंगलियों तक के सारे गहने मेरे पास। इस मौके पर निगम महापौर धीरज बागलीवार व शहर विधायक अरुण वोरा ने आयोजन की खुले दिल से तारीफ की। सुंदर सराहनीय शानदार आयोजन दुर्ग की धरा में देखने के लिए मिल रहा है। लगातार ये तीसरा वर्ष है महापौर जी के नेतृत्व में, सत्यवती वर्मा जी के नेतृत्व में और आर.एन. वर्मा जी के मार्गदर्शन में और समस्त हमारे MIC पार्षदों के मार्गदर्शन में ये आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग वासियों के लिए बहुत ही अनुपम उपहार है जिसे काफ़ी लंबे समय तक लोग यहाँ याद रखेंगे। पिछले वर्ष को अभी तक भूल नहीं पाए थे कि यह वर्ष आ गया। तो इस तरीके का आयोजन नगर निगम कांग्रेस की सरकार के आने की बात कर रही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। बहुत ही शानदार आयोजन आज फ्लावर शो के माध्यम से राजेंद्र पार्क में किया जा रहा है और ये लगातार तीसरा वर्ष है। पिछले साल भी 10 से 12 हज़ार लोग इस फ्लावर शो में उपस्थित हुए थे और आज भी माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रभारी सत्यवती वर्मा जी, आर.एन. वर्मा जी और हमारे समस्त MIC के साथी, नगर निगम के सारे अधिकारी कर्मचारीगण इसको सफल बनाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं और लगभग सफलता की ओर है। और आज का इसमें विशेष आयोजन यह है कि लगभग 40 से ऊपर स्टॉल यहाँ लगे हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ आए हैं, प्रतिभागी आए हैं, अलग अलग संदेशों को लेकर वो लोग पेंट कर रहे हैं। अभी हमने जज लोगों का सम्मान किया जो इन प्रतिभागियों का को मार्क्स दिए हैं। तो आप देख रहे होंगे इस कोरोना काल के दौरान जब एक तरफ हम लोग बहुत ही परेशानी के दौर में गुजरे, इसलिए अपने एक फ्लावर शो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नगर निगम दुर्ग के द्वारा यहाँ की जा रही है। प्रकृति को लेकर बहुत ही अच्छा संदेश है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे लोक कला को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की, इस फ्लावर शो में भी हम लोग उसी प्रकार की प्रस्तुति यहाँ किए हैं। हमारी महिला स्व सहायता समूह की दीदियाँ यहाँ अलग अलग स्टॉल लेके अलग अलग प्रकार की चीज़ों पर यहाँ स्टॉल लगाई है, तो बहुत ही अच्छी प्रस्तुति देख रहे हैं। नगर निगम स्वच्छता को लेकर एक विशेष अभियान चला रहा है, उसी ताकत में फ्लावर शो के माध्यम से पर्यावरण का एक बहुत अच्छा संदेश हम लोग इसमें देना चाह रहे हैं। और एक धान के दाने से माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी छायाचित्र बनाई गई है। कुल मिला के जितना भी आयोजन यहाँ हो रहा है डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ने का कार्य इसमें किया जा रहा है। बहरहाल फ्लावर शो में रंग बिरंगे फूलों ने सभी के मन को महकाया, साथ ही गीत संगीत ने मनमोहक समा बांधा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।